अगली खबर, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में दुष्कर्म की सजा सुनते ही आरोपी ने खुद को धार तार हथियार से घायल कर लिया। अधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत गंभीर है, उसको मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित कर दिया गया है। दरअसल छतरपुर न्यायालय में मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनते ही आरोपी ने खुद को ही धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सागर जिले के बीना का रहने वाला ओमकार अरिहार और बीना रिफाइनरी के कार्यकर्ता था। 3 साल पहले फेसबुक से माध्यम से ओमकार की दोस्ती छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करने वाले अजयगढ़ पन्ना की एक युवती से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और 2016 में युवती ने सिविल लाइन थाने में युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई 2.5 साल तक अदालत में चलती रही, जिसके बाद मंगलवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नूरीन निगम की अदालत ने आरोपी ओमकार को इस मामले की सजा सुनाई।